पहले आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां पानीपत में होगा जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव, 14 जून को होगा जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस चुनाव के लिए तीसरी बार होगी बैठक, चुनाव के लिए हाईकोर्ट तक लगाई जा चुकी है गुहार। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि अब 14 जून को जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव होगा, जिसमें पानीपत में जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव होना है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि पानीपत में जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव होना है और 14 जून को ये जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव होगा। देखिए गया, करीब दो साल पहले जब सरपंचों के चुनाव हुए थे हरियाणा में, सरपंचों के चुनाव के साथ ही अलग अलग मतलब जिला परिषद के भी चुनाव हुए। जिला परिषद ग्रामीण बॉडी जो होती है उसमें सबसे ऊंचे दर्जे पर होती है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद में काफी मतलब भारी भरकम पावर भी होती है। तो जो जिला परिषद पानीपत के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी समर्थित ज्योति शर्मा को बनाया गया था। हालांकि ज्योति शर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने समर्थन देकर उसको जिला परिषद चेयरपर्सन बनाया था। लेकिन आज से करीब 3 महीने पहले ज्योति शर्मा को हटा दिया गया था। पार्षद असंतुष्ट थे कि वो काम नहीं कर पा रही, भेदभाव कर रही है, इस आधार पर हटा दिया गया था। तो बीजेपी समर्थित चेयरपर्सन हटने के बाद कांग्रेस और जो बाकी लोग थे वो सारे इकट्ठा हो गए थे। वो अपना चेयरपर्सन काजल देशवाल को बनाना चाह रहे थे। इस बारे में 3 बार बैठक हुई, लेकिन किसी ना किसी वजह से चुनाव किया नहीं जा सका। ये मामला हाईकोर्ट में गया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट डाली गई। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द चुनाव कराने की डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए थे, लेकिन अलग अलग कारणों से अलग अलग वक्त पर 3 बार बैठकें हुई। कभी डीसी नहीं है, कभी मतलब औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। लगता है जानबूझकर भी इस मामले को लटकाया जा रहा था। तो अब कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि इस बार चुनाव करवाया जाए और कांग्रेस समर्थित और जो दूसरे हैं जो गैर बीजेपी वाले जिला पार्षद हैं वो काजल देशवाल को बनाना चाह रहे हैं। अब कल के लिए ये चुनाव फिक्स किया गया है, कल शुक्रवार को जिला परिषद की चेयरपर्सन का 14 जून को चुनाव फिक्स किया गया है। और जोड़ तोड़ अभी भी चल रहा है क्योंकि 3 बार मीटिंगें हुई लेकिन चुनाव नहीं हो सकता। अब 4थी बार हो रहा है, कल चुनाव है, लेकिन हालांकि अंदर खाते अभी भी जोड़ तोड़ चल रहा है। अब कल चुनाव होता है कि नहीं होता, हालांकि कोर्ट के आदेश है कि कल चुनाव हर हाल में होना चाहिए और कोर्ट इसको डिफेमेशन की भी धमकी दे चुका है कि डिफेमेशन की कार्रवाई होगी अगर कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव नहीं होता। तो लिहाजा कल चुनाव होना जिला परिषद चेयरपर्सन का। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो इससे पहले भी इस चुनाव के लिए हाईकोर्ट तक अपील दायर की जा चुकी है और कई बार जो बैठकें वो भी की जा चुकी है और ये तीसरी बैठक होने जा रही है। देखिए जया, कुछ जिला पार्षद देखिए कुछ बीजेपी से चुनकर आए थे, कुछ कांग्रेस से, कुछ निर्दलीय भी थे, लेकिन उनको सबको मिलकर अपना एक चेयरपर्सन, महिला के लिए आरक्षित पद है चेयरपर्सन। तो ज्योति शर्मा के हटने के बाद काजल देशवाल के पक्ष में लामबंदी हो रही थी जी। लगा 9 पार्षद चाहिए लेकिन 12 कोरम पूरा करने के लिए 17 में से 12 पार्षद चाहिए। तो 2-3 बार कोशिश की गई लेकिन चुनाव कराया नहीं जाता किसी ना किसी वजह से। कभी डीसी मेडिकल लीव पर चल गए, कभी डीसी छुट्टी पर चले गए। तो हाई कोर्ट ने इसमें सख्त आदेश दिए कि अगर डीसी मौजूद नहीं है तो एडीसी को जिम्मेदारी जाए, एडीसी नहीं है तो किसी और अधिकारी को, लेकिन चुनाव होना चाहिए। 3 बार कोर्ट ने लिख कर दिया जा चुका कि चुनाव हो नहीं पाया प्रशासनिक कारणों से। अब सख्त हिदायत है कि चुनाव होना चाहिए। अब देखते हैं, क्योंकि महिला के लिए आरक्षित पद है और कुछ पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें चुने हुए जनप्रतिनिधि है, हमें चुना गया है, चुनाव के तहत चुन कर आए लेकिन सरकार काम नहीं करने दे रही, ये आरोप भी लगा रहे हैं। ज्यादा असंतोष तो है ही, देखते हैं कल क्या होता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।